30 feet 0 inch and 32 feet 0 inch का हाउस प्लान डिज़ाइन। ओके, तो इस प्लान डिज़ाइन में हमने क्या क्या रखा है वो हम दिखाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर जो आउटलाइन है हम धीरे धीरे यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, ठीक है, आउटलाइन को ऐसे। उसके बाद देखिए इंटरनल जो पार्टीशन वॉल आएगा हम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी हाईलाइट करेंगे। तो इंटरनल आउटर वॉल हमने 5 इंच यानी 125 का यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो इस 5 इंच का जो आउटसाइड वॉल है इसको हमने क्यों रखा है, क्योंकि आपका जो घर का अंदर का जो मेज़रमेंट है और इसका जो अंदर का जो पोजीशन है थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आपको कम जगह चाहिए, आपको 9 इंच का या 10 इंच का वॉल चाहिए आउटसाइड में या इनसाइड में, आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करके आप इस प्लान को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अगर आपको लगता है इसमें सब कुछ सही है तो आप इसको देखकर घर बना सकते हैं। हमने आउटसाइड में हर रूम के अंदर 2 विंडो रखा है क्योंकि एयर वेंटिलेशन अच्छा आने के लिए, ठीक है। अगर पोजीशन मिल गया आपको तो आप यहाँ पर एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको आप विंडो यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको विंडो रखने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप उस साइड में विंडो ब्लॉक करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ऐसे हम ऐसे जो है डोर आप जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर हमने डोर यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आपको अगर लगता है इसमें यहाँ पर आपको डोर प्रोवाइड करना ऑप्शन है तो आप यहाँ पर डोर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डोर रखने का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर डोर को बंद कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप डोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डोर यहाँ पर भी आपको डोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विंडो वेंटिलेटर विंडो वेंटिलेटर और यहाँ पर विंडो। ओके, नेक्स्ट देखिए विंडो हमने सिर्फ आपको एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आपको अगर विंडो में कुछ चेंज करना है, प्लान में कुछ ऐड करना है या मॉडिफिकेशन करना है आप इसको ज़रूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अगर लगता है प्लान में कुछ गलत है तो आप इसको चेंज करके आपके हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्लान है 30 फीट इंटू 32 फीट, ठीक है, इसका मतलब कितना है 960 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान इधर डिज़ाइन हमने बनाया है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका जो डिटेलिंग हमें यहाँ पर आपके साथ शेयर करना है। तो इधर से हमें करना है एंट्री, यहाँ पर जो है डोर, ओके, मेन डोर, यहाँ पर पोर्च, पोर्च के ऊपर आपका क्या रहेगा, रूफ आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, छत जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर 4 फीट वाइड, ओके, और इधर जो है 10 फीट 4 इंच, 10 फीट 4 इंच का ऐसे, और इधर जो है देखिए 3 फीट 3 फीट 1 फीट, टोटल 7 फीट, ओके, और यहाँ पर जो है 3 फीट 6 इंच। तो यहाँ पर आपको जो इधर से मिल जाएगा आप यहाँ ऊपर जाने का रास्ता, इसके नीचे से घर के अंदर जाने का भी रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डाइनिंग, यहाँ पर लिविंग प्लस ड्राइंग एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका मेज़रमेंट क्या है, देखिए 10 फीट
फोर इंच इधर मिलेगा। ओके इधर टोटल जो एरिया यहाँ पर मिलेगा 17 फीट 9 इंच, यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर, पर डोर D1, यहाँ पर डोर। तो उसके बाद इधर कितना मिलेगा आपको जगह, देखिए 9 फीट 3 इंच। ओके तो उसके बाद ये जो लिविंग एरिया है इसका टोटल इधर से जो एरिया है 15 फीट 5 इंच। ओके नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम यहाँ पर 1, तो कितना है डिस्टेंस 11 फीट 0 इंच, इधर 11 फीट 4 इंच। ओके नेक्स्ट यहाँ पर किचन, इसका मेजरमेंट 6 फीट 4 इंच, यहाँ पर 8 फीट 6 इंच। ओके नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर 2 1 2, इसका जो मेजरमेंट यहाँ पर 11 फीट, और दिस साइड 12 फीट। ओके नेक्स्ट यहाँ पर बाथरूम प्लस टॉयलेट, यहाँ पर अटैच टॉयलेट, अच्छा इसका मेजरमेंट 6 फीट 7 इंच, और इधर जो है 6 फीट, इधर 6 फीट, और इधर आपको कितना मिलेगा 4 फीट। ओके नेक्स्ट यहाँ पर और एक बेडरूम, देखिए और एक बेडरूम, जो बेडरूम है 3। ओके इस बेडरूम का जो डिस्टेंस है इधर 11 फीट 0 इंच, ओके और इधर जो है 12 फीट 4 इंच। तो इसमें देखिए जो मेज़रमेंट है हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हम कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 13 14 15 16, 16 नंबर कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो 16 नंबर कॉलम प्रोवाइड करने के बाद इसका जो देखिए कॉलम हम यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, ओके ऐसे, ओके यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर ऐसे कॉलम, देखिए ऐसे कॉलम। उसके बाद इसका जो विंडो हम ऐसे यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, ठीक है ऐसे 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 ऐसे, इधर विंडो, इधर विंडो, वेंटिलेटर यहाँ पर हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। तो पूरा आपको समझ में आ गया। तो इस बिल्डिंग का जो कॉलम यहाँ पर साइज़ 10 इंच x 12 इंच का कॉलम, इसका जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, जो इंटरनल वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, इधर जो वॉल है 5 इंच वॉल, देखिए इधर भी 5 इंच वॉल और इधर भी 5 इंच वॉल, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका जो बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्टिंग यहाँ पर टोटल आएगा 15 लाख प्लस। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। और इसके अंदर जो है यहाँ पर देखिए हम जो क्या करेंगे, इधर जो है 4 फीट का यहाँ पर, यहाँ पर जो देखिए
2 फीट 6 इंच वाइड, यहाँ पर देखिए 3 फीट वाइड, इधर जो विंडो है 4 फीट। ओके, हम सिर्फ कुछ यहाँ पर आपको आइडिया प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो वेंटिलेटर है 2 फीट बाई 2 फीट, ऐसे करके हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।